नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको बता दें कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, जो कि आपको मालूम होगा 74 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इंडिया में, जो कि काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन इंडिया आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के सबसे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज कितना केस आया ओमान में, आज कितना केस आया, क्योंकि आपको मालूम होगा जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आज ऐलान किया उसके बाद लॉकडाउन को तो फाइनली खलास कर दिया गया। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, और फाइनली गुड न्यूज भी है क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ से लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया। केस की भी बात डिटेल बात से शेयर करूंगा तो कितना केस आया, क्योंकि काफ़ी कम केस डेली आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया। सबसे पहले बात करें आज की ओमान में जो केस आया उसकी, अगर जो बात करें यहाँ पे तो मतलब काफ़ी कम केस आया है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह डेली काफ़ी कम ही केस आ रहा है ना, वहीं बात करें आज की तो आज मात्र 181 न्यू केस है, जो कि सबसे कम है अब तक का। 181 केस जो कि दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में। जैसा आपको मालूम होगा 25 जुलाई से मतलब लॉकडाउन किया गया था नाइट में, तो फाइनली उसका नतीजा तो काफ़ी बेहतरीन अब निकल रहा है, क्योंकि अब जाके केस आज की बात करें तो वहाँ पे 188 न्यू रजिस्टर केस आपको बताते पिछले चौबीस घंटों का केस है 181, जो कि काफ़ी कम मात्रा में। उसके बाद बात करें यहाँ पे कितने आदमी एक्सपायर हुए पिछले 24 आवर में, उसकी बात करें तो यहाँ पे 5 आदमी मतलब इस बीमारी की वजह से एक्सपायर हुए पिछले 24 घंटों में। टोटल केस की बात करें अब तक तो यहाँ पे 82,924 केस अब तक ओमान में दर्ज किया गया अब तक, आज तक जो कि 15 अगस्त 2020 तक मतलब आज तक दर्ज किया है। टोटल इसमें रिकवरी की बात करें, रिकवरी तो आपको मालूम होगा कि 90% 93.5 के तकरीबन रिकवरी रेट ओमान में चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहाँ पे आपको 77,550 आदमी रिकवर हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बेहतरीन है। बात करें टोटल अब तक ओमान में एक्सपायर की बात कर लें तो 562 आदमी मतलब टोटल अब तक ओमान में इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकवरी की बात करें, जैसे पिछले 24 आवर में जो 181 केस आया उसमें रिकवर कितने आदमी हो उसकी अगर जो बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 24 घंटों में 123 आदमी, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिकवरी रेट है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि 93.5 के में भी इसी के बीच में ओमान में रिकवरी चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। वहीं बात कर लें लॉकडाउन को लेकर, तो आपको मालूम होगा जो कि 15 अगस्त शनिवार आज के दिन शनिवार है, और आज के दिन में ही ऐलान किया गया था कि लॉकडाउन क्या होगा, तो लॉकडाउन को फाइनली ख़त्म कर दिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बिजनेसमैन के हिसाब से देखा जाए बिजनेस वालों के लिए तो फाइनली गुड न्यूज है, दुकानदार हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए या टेलर हो गए, सभी के लिए फाइनली काफ़ी बेहतरीन अपडेट निकल के आई है। जितना मतलब वो लगातार 10 बजे 11 बजे भर भी अपना दुकान खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, तो फाइनली गुड न्यूज है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।